अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी चिकन ड्रमस्टिक की रेसिपी। यहाँ पे मैंने ले लिए 4 लेग पीस और इसको हम बॉईल करेंगे। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और नमक हसबे ज़रूरत ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून हम डाल देंगे इसमें काली मिर्च, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे, और इसको 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे बॉयल होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे चिकन बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका था, इसको मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया था। अब इस चिकन को हम शर्ट कर लेंगे। चिकन शर्ट करने के बाद जो लेग पीस की हड्डी होगी उसे एक साइड पर रखते जाएंगे। हमारा चिकन शर्ट हो चुका था, इसके साथ ही हम 1/2 kg आलू लेंगे और उनको भी बॉईल कर लेंगे। यहाँ हमारे आलू बॉईल हो चुके थे तो इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू मैश करने के बाद इसमें अपना शर्ट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे, और स्पाइसेस में सबसे पहले नमक लेंगे और नमक हम हसबे ज़रूरत ही इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स के डाल देंगे, और 1 टीस्पून हम डाल देंगे इसमें काली पिसी हुई मिर्च। काली पिसी हुई मिर्च ज़्यादा इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि हमने चिकन में ऑलरेडी डाल दी हुई थी, तो इसलिए इसमें कम डालेंगे जी। अब इसके साथ ही हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स। इसमें 2 टेबल स्पून सब्ज़ धनिया डाल देंगे। अभी सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे। यह हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो अब हम इसके ड्रमस्टिक्स बना लेंगे। हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ताकि बनाने में आसानी हो जाए। स्क्रीन पे जो मेथड दिखाया जा रहा है आपने इसी मेथड से सारे ड्रमस्टिक्स बना लेने हैं, और इसके अंदर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारे ड्रमस्टिक रेडी हो चुके हैं, अब हम इनकी कोटिंग करेंगे। सबसे पहले अंडे की कोटिंग करेंगे। अंडे में कोट करने के बाद इसको हम ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। इसी तरह हम सारे रेडी कर लेंगे और इसको हाई मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही यम्मी बनती है, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।